हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया है। इस वीडियो में हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को बेहतर तरीके से समझेंगे और समझेंगे कि अम्ल और क्षारक धातु, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं और इस तरह की अभिक्रिया को क्या विशेष नाम दिया जाता है। आइए अब हम पहली अभिक्रिया से शुरू करते हैं, जो है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। आइए इसे एक क्रियाकल्प के द्वारा समझें। दिखाए गए चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करें। अब एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लें और उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालें। दानेदार जिंक की सतह पर आप क्या देखते हैं? आप जिंक के दानों की सतह पर गैस के बुलबुले बनते हुए देखेंगे। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? अब एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या देखेंगे? साबुन के बुलबुले में मौजूद गैस फट फट ध्वनि के साथ दहन होती नजर आती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एकमात्र हाइड्रोजन गैस का दहन फट फट ध्वनि के साथ होता है। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जिंक के दानों और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में विकसित होती है। कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल के साथ ये क्रियाकल्प दोहराएं। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न? आप पाएंगे कि सभी स्थितियों में आपका प्रेक्षण एक समान होगा। इन सभी अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल एसिड के साथ धातु मेटल की अभिक्रिया को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातु मेटल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए अम्ल एसिड के साथ अभिक्रिया करता है। आइए अब हम धातुओं मेटल्स के साथ क्षारकों बेसिस की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जब एक धातु मेटल के साथ एक क्षारक बेस अभिक्रिया करता है तो एक धातु लवण मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। उदाहरण के लिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को जिंक के दानेदार टुकड़ों के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इस तरह हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्ल एसिड और क्षारक बेस दोनों धातुओं मेटल्स के साथ अभिक्रिया करने पर लवण सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आइए अब आगे बढ़ें और धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षारक किस तरह अभिक्रिया करते हैं इस पर चर्चा करें। पहले हम अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। लवण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाने के लिए धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करते हैं। आइए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। दो परख नलियां लें और उन्हें ए और बी से नामांकित करें। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले एवं परखनली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
NaHCO3 ले। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। आप क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि एक गैस का तेज प्रवाह उत्पन्न होता है। उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित करें। आप देखेंगे कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है, जिसे पता चलता है कि विकसित गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ समय के लिए दूधिया चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते रहें। आप देखेंगे कि चूने का पानी फिर से साफ हो जाता है। इससे पता चलता है कि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप जल में घुल जाता है। हम धातु कार्बोनेट की जगह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। एक बार फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो चूने के पानी को दूधिया बना देगी, और अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर दूधिया चूने का पानी एक बार फिर से साफ हो जाएगा। अब अगर हम क्षारकों की बात करें तो क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों क्षारकीय बेसिक हैं। आइए अब अगले प्रकार की अभिक्रिया देखें, जो है क्षारक बेस के साथ अम्ल एसिड की अभिक्रिया। जब एक अम्ल एक क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण सॉल्ट और जल का निर्माण होता है। आइए इसके बारे में एक क्रियाकल्प द्वारा जानें। एक परख नली में लगभग 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लें और उसमें 2 बूंदे फिनोल्फथलीन विलयन डालें। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन का रंग गुलाबी है। अब इस विलयन में एक एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? हम देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ मात्रा मिलाने के बाद गुलाबी रंग गायब हो जाता है और विलयन बेरंग हो जाता है। लेकिन अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फथलीन का रंग क्यों बदल गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परख नली में अब तक लिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक के प्रभाव को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने समाप्त कर दिया है। फिनोल्फथलीन का रंग गुलाबी से रंगीन हो जाता है क्योंकि परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई भी क्षारक नहीं बचा है और अभिक्रिया मिश्रण तटस्थ हो गया है। अब इस मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की कुछ बूंदें मिलाएं। क्या फिनोल्फथलीन का गुलाबी रंग फिर से प्रकट हो जाता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदों को मिलाने के बाद अभिक्रिया मिश्रण फिर से क्षारकीय बेसिक हो गया है। आइए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ मिलाया जाता है तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और सोडियम क्लोराइड लवण और जल का निर्माण होता है। चूंकि एक अम्ल और एक क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए लवण सॉल्ट और जल निर्माण करने के लिए अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। अब हम अगले प्रकार की अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे, जो है लवण और जल बनाने के लिए अम्ल एसिड के साथ धात्विक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड की अभिक्रिया। और दोस्तों, आप पहले से ही जानते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय है, और इसलिए हम धात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारकों की अभिक्रिया के बारे में क्या कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो आइए धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया के एक उदाहरण पर चर्चा करें। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। अब इसे हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो गया है एवं कॉपर ऑक्साइड घुल गया है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड CuCl2 के बनने के कारण हुआ है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लवण और जल बनाने के लिए अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको इस अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया के बीच कोई समानता नजर आई? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक तरह की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि धात्विक ऑक्साइड वास्तव में क्षारकीय होते हैं, और इसलिए ये अभिक्रिया क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया बन जाती है। आइए अब एक अधात्विक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्षारक बेस की अभिक्रिया पर चर्चा करें। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, और इसलिए ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान होती है। अतः अधात्विक ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। नमक और जल बनाने के लिए क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। यदि हम गौर से देखें तो पाएंगे कि अधात्विक ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं, सही? इसलिए ये अभिक्रिया तो वास्तव में एक क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया है। उदाहरणतः कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक अधात्विक ऑक्साइड है के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल निर्माण करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षारक की समानताओं कॉमनालिटीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जानेंगे।